पाकिस्तान में भुखमरी चरम पर पहुंच चुकी है और आलम यह है कि अब आटे दाल के लिए लोग मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। रमजान के वक्त 2 जून की रोटी के लिए तरसती पाकिस्तान की आवाम किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आ रही है। जिसकी बानगी दिखी खैबर पख्तूनख्वा के चरसद्दा जिले में, यहां मुफ्त में आटा बांटने के लिए सरकारी ट्रक आया तो सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई, जिसके चंद मिनटों बाद वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ ऐसी कि एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि 8 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इस घटना से बौखलाए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और जो महिलाएं कभी घरों से बाहर नहीं निकलती थी वो भी ट्रैफिक रोककर बीच सड़क पर धरना देने लगी। दरअसल रमजान और गेहूं की किल्लत को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार ने लोगों को मुफ्त में आटा देने की योजना बनाई है। इसके लिए लगभग हर रोज हजारों ट्रक उन इलाकों में जा रहे हैं जहां गरीबों को रोटी तक मयसर नहीं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लोग रोजा रखने के बावजूद सुबह से ही लाइनों में लग जाते हैं, लेकिन दोपहर बाद भी उन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। लोगों की आंखों में भूख और बेबसी के आंसू हैं, लेकिन शहबाज शरीफ अपनी गद्दी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। दरअसल जिन अधिकारियों को आटा बांटने का जिम्मा सौंपा गया है वो लापरवाही बरतने के साथ धांधली भी कर रहे हैं। लोग आटे के लिए लाइनों में लगे हैं और अधिकारी इस बात से बेपरवाह कि जरूरतमंदों तक सरकारी मदद पहुंच भी रही है या नहीं। दरअसल रूस ने पाकिस्तान को मदद के तौर पर गेहूं भेजा था, लेकिन इस मदद को भी पाकिस्तान के भ्रष्ट अधिकारी डकार गए और लोग अनाज के एक एक दाने के लिए बिलखते नजर आए। लिहाजा लंबी लंबी लाइनों में खड़ी पाकिस्तान की आवाम हुकूमत को लानते भेजती नजर आई। पाकिस्तान की आवाम में गुस्सा है, तकलीफ है, दर्द है, लेकिन इसके बावजूद वो सरकारी मदद के लिए घंटों इंतजार करती है, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल कभी तो आटे की एक बोरी मिलेगी और उनके पेट की आग बुझेगी। लेकिन हर बार आईडी कार्ड का बहाना बनाकर अधिकारी इन्हें आटा देने से इनकार कर देते हैं। पाकिस्तान के लोगों के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मुफ्त वाला आटा उनके सामने होते हुए भी उन्हें नहीं मिल रहा। यहाँ अगले महीने यानी अप्रैल से कार खरीदना महंगा हो जाएगा, क्योंकि एमिशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए उपकरण लगाने से कार बनाने का खर्च बढ़ेगा। बताया गया कि ऑटो इंडस्ट्री ने BS6 के सेकंड फेज के कड़े एमिशन नॉर्म्स के मुताबिक गाड़ियां बनाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते कंपनियों ने 1 अप्रैल से कारों के दाम 2% से 5% तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इस वजह से मॉडल और इंजन क्षमता के हिसाब से कारों की कीमतें 10,000 से 50,000 रुपए तक बढ़ जाएंगी। असल में अब गाड़ियों में ऐसे उपकरण लगाने होंगे जो एमिशन के लेवल को गाड़ी चलने के दौरान ही मॉनिटर कर सके। ये उपकरण कार के कैटलिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर्स को मॉनिटर करेंगे और एमिशन का लेवल ज्यादा होने पर चेतावनी देगा, जिसके लिए कंपनियों को कारों के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बदलाव करने होंगे। झारखंड के धनबाद में एक ग्लाइडर हादसे का शिकार हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। धनबाद के हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ मिनटों के अंदर ही एक ग्लाइडर रिहायशी इलाके में गिर गया। हादसे में पायलट समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पंजाब के फिरोजपुर में रोडवेज की बस और दूसरी गाड़ी की टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। यूपी के कानपुर में एक एडिबल ऑयल मिल में गैस सिलेंडर फटने से हुए धमाके में 3 मजदूरों की मौत हो गई। फैक्ट्री प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बड़ा हादसा होने से टला। एक इंडियन ऑयल का गैस टैंकर डिवाइडर से टकरा गया था, जिसके बाद क्रेन की मदद से टैंकर को हटाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में युवकों का हंगामा देखने को मिला। हाथों में तलवार लेकर आए 10 से 12 युवकों ने 14 कारों को नुकसान पहुंचाया। पुराने विवाद को लेकर ये तोड़फोड़ की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने करीब 1,780 करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही टीबी को खत्म करने के लिए कई नए पहल की भी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ने काशी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और उच्च रोकथाम प्रयोगशाला का भी शिलान्यास किया, जिससे टीबी को खत्म करने में बड़ी मदद मिलेगी। वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम टीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और देश से टीबी को खत्म करके ही दम लेंगे। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। दुनिया से 5 साल पहले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि आयुष्मान योजना के तहत टीबी मरीजों को फ्री इलाज मिलेगा और टीबी की मुफ्त जांच के लिए देश में लैब की संख्या बढ़ाई जाएगी। Zee News.